नमस्कार। आज मैं आपसे एक और बात साझी करना चाहता हूँ। इस प्रसाद से मोहल्ले वालों को कुछ परेशानियाँ आ रही थी, वो ठीक थी, जैसे लेटरिन बाथरूम का प्रबंध नहीं है, स्पीकर का रौला शोरगुल और ट्रैफिक या कुछ और प्रॉब्लम थी, हमने वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमने प्रसाद बंद करना ही जायज समझा। हमने प्रसाद बंद कर दिया तो लोग परेशान होने शुरू हो गए। तो जो साइन करने वाले थे उन्हीं में से कुछ लोगों ने मुझको आनकर कहा, बाबा जी ये तो परेशान लोग हो रहे हैं, इनको प्रसाद दो। मैंने कहा कि हमने तो प्रसाद बंद कर दिया, हमने नहीं देना। तो वो कहने लगे नहीं दो इनको। हमने जो वृद्ध लोग आते थे एक एक शीशी देकर उनको वापस देना भेजना बंद शुरू कर दिया। तो फिर नए चश्मे उतारने बंद कर दिए। नए चश्मे उतारने बंद करने का कारण यह है कि जो चश्मा हम उतारते हैं तो उसको हमको 6 महीने से लेकर 1 साल तक प्रसाद देना पड़ सकता है। जब हमने 6 महीने तक प्रसाद देना ही नहीं है, बंद ही कर दिया, तो नया चश्मा उतारने का मतलब ही कोई नहीं। तो कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने की खातर, कुछ दुकानदार हैं एक दो इधर भी, उन्होंने कहा बाबे की क्या जरूरत है आपको प्रसाद ना दे, जाओ। तो हमारी उनको वापस भेजने के चक्कर में झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुई, उसने फूंक देकर पूरा भेजा। तो हमने डरते हुए प्रसाद एक एक शीशी दी भी तो उनकी जय जयकार होगी, देखा हमने प्रसाद दिलवा दिया। अगर किसी को प्रसाद हमने नहीं दिया, जाओ सैनी साहब से बोलो। सैनी साहब दयालु पुरुष हैं, जो सैनी राणा सीमेंट स्टोर हैं, जो दयालु पुरुष हैं, हमारा सामाजिक संबंध है। तो हमने उनके कहने पर प्रसाद दिया भी, हमने बोला भी आप तो दयालु पुरुष हो, तो हम कहाँ जाएं। और फिर जो जिन्होंने साइन करके दिया था वो कहने लगे बाबा जी इनको प्रसाद दो। तो मोहल्ले में से ही कुछ लोग आए, कहने लगे कि बाबा जी प्रसाद दो। तो मैंने उनको बोला कि आप प्रसाद दे दो, मैंने नहीं देना, क्योंकि मैं किसी को दुख दूं प्रसाद दूं ये बात हो नहीं सकती। तो उन्होंने जो जिन्होंने मुझे कहा था उन्होंने प्रसाद देना शुरू किया। तब पता चला कि लोग क्या व्यवहार करते हैं। उनका झगड़ा हुआ लोगों के साथ, जब झगड़ा हुआ सामने वाले पड़ोसी ने मूवी बनाई, देखो बाबा कैसे लूट रहा है, गाली गंदी गंदी दी मुझे। हालांकि उसमें दिख रहा है कि जो नाराज लोग जा रहे हैं उनको मैं मनाकर वापस ला रहा हूं, दिख रहा है। 40-40 हजार रुपया डलवा रहा है लोगों से, जबरदस्ती पैसे डलवा रहा है। लोगों जागो, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, आप देखो जी जिन्होंने मूवी बनाई है मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैंने आपसे पर्सनली बात कही थी, बोलिए आप क्या चाहते हो, मैं वैसा ही करना चाहता हूं। तो आपने ये सोचा ही नहीं कि बाबा जी क्या कहते हैं, बाबा बना हुआ है, ठीक है, मैं बना नहीं हूं ना मैं बाबा हूं, मैं तो आप जैसा साधारण पुरुष हूं, आपसे भी नीच हूं। देखिए ऐसी गंदी गालियां, मैं आपके बाप जैसा हूं, आपका आपके पिताजी और मैं एक हानी है, हम उम्र हैं, अगर आप मुझको गाली दे सकते हो इसका मतलब यह है कि आपने अपने बाप को भी गाली दी है। आपको तो मैंने कहा था मैं जहां पर आपको नाम ले दूं आपका किरण जी, आपको मैंने पर्सनल कहा था, मेरे पिताजी के देहांत पर आप आए थे, मैंने आपको बोला था किरण जी आप सभी को बोल दो कि मैं जैसा कहो वैसा करने को तैयार हूं, तो फिर भी आपने ऐसा किया, मुझे ये बात आपकी समझ नहीं आई। ये जो आपने वीडियो डाली है अच्छा किया, ये जो वीडियो डाली मैं इस वीडियो के साथ उसको लिंक कर रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं साथ में, हमने तो आपको बोला था कि आपको जो भी तकलीफ हमें बोलिए हम वैसा ही करने को तैयार हैं। हमने तो प्रसाद बंद कर दिया। जो नेत्रहीन नेत्र रोगी गरीब लोग आते हैं, अगर आपका दिल पत्थर है तो हमने बंद कर दिया, अगर सेवादार ने उन्हें देना शुरू किया
तो उसमें भी मेरा नाम जोड़ रहे हो आप। मैंने तो बंद कर दिया है, सेवादार दे रहे हैं, सेवादारों का झगड़ा हो रहा है, उसमें मुझे भी मुझको भी आप घड़ीच रहे हैं। ये कैसी बुद्धि है आपकी? मैंने तो बंद कर दिया है, मैंने तो आज के बाद प्रसाद, मैंने क्या लेना देना? अच्छे से डॉक्टर के पास, मैं तो लोग चाहता हूं कि लोग डॉक्टरों के पास जाएं, मेरे पास क्यों आए? मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई, मैं तो भगाता हूं जहां से। आप नोट करते हो, आप उसको दबके कहते हो, आपको कुछ भी कह लो, जो मर्जी कह लो कहते हो। मैं तो, मेरे भगाने का तरीका यह है कि मैं कहता हूं भाग जो जहां से, मेरे पास दवाई नहीं है, प्रसाद नहीं है। उसका कारण कब से हुआ? जब से आपने मुझे ये दिया कि हमें तकलीफ है, हमने बंद कर दिया। आपने ये भी बोला कि गुंडे पाल रखे हैं, ये तो आपके मोहल्ले के लोग हैं जिनको तकलीफ हुई थी कि ये गरीब लोग वापस जा रहे हैं। मैंने उनको बोला कि प्रसाद दे दो, तो आप उनको ही गुंडे लोग बोल रहे हैं कि, ये भी बोला कि बाबा ने गुंडे पाल रखे हैं। हाँ, कुछ लोग सेवादार हमारे पास हैं जो कम से कम 10-15 साल से हैं। अगर ये जो प्रसाद है ना आंखों का, उसमें अगर कोई गुंडागर्दी खलेरता है ना, कोई गलत काम करता है, तो चाहे मैं भी गलत काम करूंगा तो ये प्रसाद एक दिन नहीं चलेगा। यहां पर वो लोग आते हैं जिनकी आंखें छीन चुकी हैं और सबसे भयानक से भयानक सजा उनको मिल चुकी है। उनके साथ अन्याय करना और गलत व्यवहार करना, गुंडागर्दी करना भगवान छोड़ेगा नहीं, चाहे हम हैं चाहे आप हो। याद रखना। नमस्कार।